आप देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। हरियाणा में हुए परिवर्तन महारैली से रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखाई अपनी ताकत। रैली में लाखों की संख्या में शामिल हुए युवा और बुजुर्ग। हुड्डा ने अपने संबोधन में खुलकर दिखाया अपने बगावती तेवर। रोहतक की परिवर्तन महारैली में जुटी लाखों लोगों की भीड़ के सामने हुड्डा ने अपनी पार्टी के बारे में साफ साफ कहा कि ये कांग्रेस अब नहीं रही पहले वाली कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस से अलग होने के सवाल पर जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि आज मैं खुद को अतीत से मुक्त करता हूं। मुझे हमारे नेताओं और रैली में आए हुए मेरे समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार का फैसला लेने का जो अधिकार मुझे दिया है उसके लिए मैं जल्द ही एक कमेटी का गठन करूंगा और उस कमेटी की राय पर ही कोई फैसला लूंगा। साथ ही हुड्डा बोले कि देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है और साथ ही कहा कि मैं 72 साल का हो गया हूं और रिटायर होना चाहता था लेकिन हरियाणा की इस हालत को देखते हुए फिर से संघर्ष करने का फैसला लिया है। हुड्डा ने आगे कहा कि आज हरियाणा बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आज हरियाणा का किसान तबाही की ओर है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हुड्डा के अलावा इस महापरिवर्तन रैली में कई दूसरे नेताओं ने भी दिखाए अपने तीखे तेवर। पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान ने भी एक ही लाइन में अपना प्रस्ताव रखा कि हुड्डा जो भी फैसला करेंगे हम सभी उनके साथ खड़े होंगे। जनसभा में मौजूद लाखों लोगों ने भी इस बात का समर्थन करने के लिए अपने दोनों हाथ उठाकर समर्थन दिया। मैं भाई एक कमेटी बनाऊंगा और चंडीगढ़ जाके उसको नाम करूंगा। उसमें सारे जो MLA 13 जो मेरा साथ देते रहे 13 के 13 और 12 आदमी बनाऊंगा जो ये कहेंगे वो करूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं 370 हुआ देशभक्ति कोई भी हो देशभक्त परिवार में पैदा हुआ हूं मैं जो ये ऐसा काम करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उनको कहना चाहता हूं असूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। जिंदे हैं हम आप और हम जिंदे हैं दिखना जरूरी है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ यू। नमस्कार।